तो हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम पढ़ रहे थे। नर्वस सिस्टम के दो डिविजन्स है, ठीक है। ये नर्वस सिस्टम क्या हो सकता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो सकता है। एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। सीएनएस का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का मतलब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस यहाँ पे मोस्टली मेन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सीएनएस का काम क्या है, इंफॉर्मेशन को गैदर करना, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को सॉल्यूशन निकालना और एक्शन करने पे आमादा करना, ठीक है। एक्शन करने के लिए कोशिश करना, ये सीएनएस का है। एक्शन किससे होगा, वो पीएनएस से होगा। एक्शन होना और एक्शन कराने का काम तो सीएनएस है, एक्शन करने का काम पीएनएस है, ठीक है। इसमें पीएनएस में आप दो डिवीजन दे सकते हैं, इसमें सेंसरी भी रहेंगे, इसमें मोटार भी रहेंगे, ठीक है। और इसमें जो नर्व्स आएंगे, उसमें नर्व्स में क्या मिलेंगे आपको, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन को लेके जाने के लिए और इन्फर एक्शन को लाने के लिए मदद करते हैं पीएनएस। कराने वाला तो ब्रेन है, इन्फॉर्मेशन जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जरिए से ब्रेन तक पहुंचेगा, ब्रेन उसको कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को, उस इन्फॉर्मेशन का सॉल्यूशन निकालेगा और एक्शन क्या करना है वो ऑर्डर देगा पीएनएस को, तो पीएनएस उस ऑर्डर को फॉलो अप करेगा। तो ये दो सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। अब नर्व टिश्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पढ़ के आपको एक्सप्लेन कराऊंगा। नर्व सेल्स आर कॉल्ड न्यूरॉन्स, ठीक है। नर्व्स ये आपके ग्रुप ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स को नर्व्स बोलेंगे, ठीक है। न्यूरॉन्स ये सिंगल सेल है, नर्व फाइबर्स भी कहेंगे इसको, ठीक है। इसके अंदर थ्री पार्ट्स रहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली। एक है सेल बॉडी, ठीक है, और दूसरा होता है डेंड्राइट्स, और एक होता है एक्सॉन। थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के। क्या है वो, सेल बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट सेल बॉडी ही है। उसके बाद है डेंड्राइटिस, उसके बाद है एक्सॉन। ये थ्री वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है न्यूरॉन, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये देखिए आप न्यूरॉन, ये जो इमेज है न्यूरॉन है, ये कहलाएगा आपका सेल बॉडी, ये आपका सेल बॉडी, ये पूरा का पूरा सेल बॉडी। इसके अतराव जो ये डेंड्राइट्स, ये जो ब्रांचेस इसके नजर आ रहे हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, ये पूरे डेंड्राइट्स। और यहां से यहां तक जो है आपका एक्सॉन, ये एक्सॉन, ठीक है। तो सेल बॉडी हो गया, डेंड्राइट्स हो गए और आपका एक्सॉन भी हो गया, ठीक है। अब आइए थोड़ा डिटेल में जाते हैं सेल बॉडी के अंदर। सेल बॉडी में क्या होता है, सेल बॉडी के अंदर होता है न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियस इज द मास्टर माइंड, वहीं से इंफॉर्मेशन आता है क्या करना है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस देख सकते हैं आप, सेल बॉडी का न्यूक्लियस, ठीक है। और क्या काम कर सकता है सेल बॉडी, और ये सेल बॉडी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही मिलेगा, ठीक है। ये सेकेंड चीज है आपको याद रखने की। और आपको सेल बॉडी क्या प्रोटेक्टेड है बोन से, ठीक है। आपके हैंड्स में, लेग्स में सेल बॉडी नहीं है, ठीक है। अगर इंजरी भी हो गई तो ये डैमेज रिकवरी होने के चांसेस है। लेकिन ब्रेन सेल बॉडी अगर डैमेज हो जाए तो इंजरी होने के बाद रिकवरी के चांसेस कम है, ठीक है। अब डेंड्राइट्स क्या है, ये जो इम्पल्स, जो इंफॉर्मेशन सेल बॉडी देना चाहता है वो डेंड्रॉइड्स के जैसे आगे जाता है, ट्रांसमिट इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, सॉरी
जो इन्फॉर्मेशन सेल बॉडी के पास आना है, अब समझिए आपने पेन पकड़ा, ये भी इन्फॉर्मेशन अब आ रहा, आके डेंड्रॉइड्स के जरिए ही सेल बॉडी तक जाएगा, ठीक है। अब एक्सॉन का काम क्या है, ये सेल बॉडी का जो अभी एक्शन है, इन्फॉर्मेशन तो डेंड्रॉइड्स के जरिए से आया, इन्फॉर्मेशन को अब एक्शन में तब्दील करना का काम सेल बॉडी ने किया, लेकिन करारा किससे है, एक्सॉन से, ठीक है। एक्सॉन एक्सॉन क्या करता सकता है, ट्रांसमिट्स इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को सेल बॉडी से, सेल बॉडी तो जनरेट करेगा, उस इंपल्स को कंटिन्यूएशन करके आगे पहुंचाने का काम आपका एक्सॉन का है, ठीक है। फिर से मैं रिवाइज करता हूँ इसको, ये है हमारा सेल बॉडी पूरा का पूरा, इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये जो आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं डेंड्राइट से, और एक यहाँ पे एक टेल दिख रहा है, इसको हम कहेंगे एक्सॉन। डेंड्राइट्स का काम क्या है, इंफॉर्मेशन लेके सेल बॉडी को देना है, अब सेल बॉडी वो क्या काम करना है, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके वो डिसाइड करेगा, डिसाइड करने के बाद जो एक्शन जनरेट करना है वो एक्शन एक्सॉन के जरिए से डिजनरेट होगा। जनरेट करने वाला तो सेल बॉडी है, लेकिन करा जिसके जरिए से करा रहा है वो एक्सॉन। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को एक्सॉन अवे लेकर जाएगा सेल बॉडी से, और डेंड्रॉइड्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स को करीब ला कर आएगा, ठीक है। तो ये तीन काम है न्यूरॉन्स के, हर न्यूरॉन्स के। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे अब थोड़ी देर में। इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक्सॉन्स एंड डेंड्रॉइट्स आर रैप्ड इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड स्क्वायर सेल्स, ठीक है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप एकदम गौर से सुनिए कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यानी जो क्रेनियल नर्व्स है, यानी ब्रेन से जो नर्व्स आ रहे हैं, जो स्पाइन से नर्व्स निकल रहे हैं, जो एक्सॉन्स है और डेंड्रॉइट से एक व्रैप करे हुआ है। अब ये पेन है, अगर इसको मैं किसी चीज से व्रैप कर दूं, लपड़ दूं, ठीक है, ये लपड़ दूं ऐसा, तो ये व्रैप करे हुए हैं, इसी ऐसे स्पेशल सेल्स को क्या कहेंगे, स्क्वायर सेल्स कहेंगे, ठीक है, स्क्वायर सेल्स कहेंगे। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्क्वायर सेल्स ग्रो टू सराउंड द न्यूरॉन प्रोसेस, इनक्लोजिंग देम इन सेवरल लेयर्स ऑफ स्क्वायर सेल मेम्ब्रेन, दीज लेयर्स आर कॉल्ड माइलिन शीथ। जो सेल्स है, सेल्स के साथ जो कवरिंग है, उसको लेयर को क्या कहेंगे, माइलिन शीथ, बहुत इंपॉर्टेंट है माइलिन शीथ। माइलिन इज फॉस्फोलिपिड दैट इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड न्यूरॉन्स फ्रॉम वन अनदर, विदाउट द माइलिन शीथ न्यूरॉन्स वुड शॉर्ट सर्किट जस्ट एज इलेक्ट्रिकल वायर वुड इफ दे आर नॉट इंसुलेटेड। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ये देखिए आप, ये है माइलिन शीथ, ठीक है, ये है आपका माइलिन शीथ, ये माइलिन शीथ है, कवरिंग है, व्रैप, ये स्क्वायर सेल से व्रैप करे हुआ है, ये व्रैप का नाम क्या है, माइलिन शीथ के लेयर्स है, कि बीच में नोड ऑफ रैनवीर है, यानी जब इंफॉर्मेशन सेल बॉडी से निकलेगा तो इंफॉर्मेशन एकदम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, यानी करंट है, करंट इम्पल्स है, अगर करंट इम्पल्स डायरेक्ट निकलेगा तो जो आजू बाजू के एक्सॉन्स है उसको नुकसान होने की चांसेस है, उसको इंजुरी होने के चांसेस है, ठीक है। कितना मिली वोल्ट इलेक्ट्रिकल चार्जेस निकलते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखिए कि जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होते हैं, निकलते हैं, तो अगर ये लेयर्स ना होते तो क्या होता, दूसरे साइड के जो एक्सॉन्स है वो इंजूर हो सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसकी एनर्जी को ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए क्या किया गया, उसको रैप किया गया माइलिन शीट से, ठीक है। माइलिन शीट क्या करता है, अब जो इम्पल्स है आप जंप करते हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे जंप करते, इसके दो फायदे हैं, एक है ये इम्पल्स दूसरे नर्व्स को डैमेज नहीं करेंगे, पहली चीज, और खुद के नर्व्स को भी डैमेज नहीं करेंगे, तीसरी चीज ये है कि इससे इंफॉर्मेशन बहुत रैपिडली ट्रैवल करेगा, 3 मिली सेकेंड्स में, देखिए आपने पेन देखा और पकड़ लिया,
इतने तेजी से इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचा और ब्रेन से फिर सिग्नल वापस हाथों में तक आ गया। ये क्यों आया? ये आपकी माइलिन शीथ और स्क्वैम सेल्स की वजह से। द स्पेस बिटवीन एडजेसेंट स्क्वैम सेल्स और सेगमेंट्स ऑफ माइलिन शीथ कॉल्ड नोड्स ऑफ रैनबीर। देखिए, रोड ऑफ नर्विन, ये दोनों माइलिन शीथ और स्क्वैम सेल के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पर नोड ऑफ रैनबीर है। इसका काम क्या है? देखिए, नोड ऑफ रैनबीर, दीज नोड्स आर द पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन सेल मेम्ब्रेन द डीपोलराइज व्हेन इलेक्ट्रिकल इज ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे क्या करता है, इंफॉर्मेशन, इसको इंफॉर्मेशन जो आ रहा है यहाँ से यहाँ जंप करेगा। अब ये इंफॉर्मेशन अगर यहाँ पे आ जाए तो इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को कम कर देगा, एक्टिविटी एक्टिविटी कम होगी, फिर माइलिन शीथ को बढ़ाएगा, फिर एक्टिविटी कम होगी, ऐसा करके इलेक्ट्रिकल चार्जेस को मेंटेन किया जाएगा ताकि शॉर्ट सर्किट से बच जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है स्क्वैम सेल्स के। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया सेल बॉडी और डेंड्राइट्स और एग्जॉन के बारे में। ठीक है, और सेल बॉडी के अतराफ जो डेंड्राइट्स है, ब्रांचेस है और एग्जॉन है, ये कवरिंग है स्क्वैम सेल्स से। अब स्क्वैम सेल्स में जो लेयरिंग है, उस लेयर का नाम है माइलिन शीथ। ठीक है, तो ये चीजें हमने अब तक डिस्कस किया, आगे चलते हैं। द स्पेस द न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द स्क्वैम सेल्स आर रैप अराउंड द आउटसाइड ऑफ माइलिन शीथ आर कॉल्ड न्यूरेलेमा विच बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ नर्व्स आर डैमेज। इफ ए पेरिफेरल नर्व्स इज सीवर्ड एंड रीअटैच पीशियसली बाई माइक्रो सर्जरी, द एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स में रीजनरेट थ्रू द टनल्स फॉर्म द न्यूरोलेमास। द स्क्वैम सेल ऑल्सो बिलीव टू प्रोड्यूस केमिकल ग्रोथ फैक्टर दैट स्टिम्युलेट्स रीजनरेशन। ऑल्दो दिस रीजनरेशन में टेक मंथ्स, द नर्व्स में इवेंचुअली रिएस्टैब्लिश देयर प्रॉपर कनेक्शन एंड द पर्सन में रीगेन सम सेंसेशन मूवमेंट इन द वंस सेवरल रिम सीवियर रिम। तो यहाँ बताया जा रहा है जो हमारा स्क्वैम सेल है उसके न्यूक्लियाई, यानी उसके अंदर सेल है, सेल के अंदर नहीं, उसका भी न्यूक्लियस है, उसका भी साइटोप्लाज्म है, उसको भी रैप किया गया माइलिन शीथ से। उसका नाम क्या है? न्यूरोलेमा। अब ये देख सकते हैं आप, ये जो इसका स्क्वैम सेल है, यहाँ देख सकते हैं न्यूरेलेमा। ठीक है, न्यूरेलेमा से भी इसको व्रैप किया गया, जो स्क्वैम सेल के न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्यों? क्योंकि जब नर्व डैमेज हो जाए, कब मार लग जाए, गिर जाए, कट जाए, ठीक है, ट्रॉमेटिक कोई मारे, इंजरी हो जाए, ऐसे मौके पे क्या है, नर्व्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। अब इसके अंदर ऐसे केमिकल इंग्रेडिएंट्स है, केमिकल सब्सटेंसेस है, जब ये इंज्यूर्ड होते हैं तो ये रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद ये इंज्यूरी को हील करने की ताकत रखते हैं, और इनके अंदर केमिकल ग्रोथ इसके अंदर रखा गया है। तो ये इस तरह ये रीजनरेशन होने के चांसेस है एक्सॉन डेंड्राइट्स। ठीक है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है, महीने लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं। ठीक है, तो डेंड्रॉइड्स और एग्जॉन अगर डैमेज हो जाए तो स्क्वैम सेल्स के अंदर एक चीज है, क्या है? न्यूरोलेमा। ये न्यूरोलेमा क्या करेगा, जब डैमेज हो जाएंगे तो एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करेंगे, और केमिकल सब्सटेंस क्या करेंगे, ग्रोथ के लिए हेल्पफुल करेंगे। जब ये डैमेज हो जाए तो रीजनरेट करने के लिए बहुत हेल्पफुल करेंगे, और सेंसेशन के लिए, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल करेंगे। तो जब भी डैमेज हो जाए तो इनका मदद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने पढ़ा सेल बॉडी के बारे में, ठीक है, डेंड्रॉइड्स के बारे में, एक्सॉन के बारे में, स्क्वैम सेल्स के बारे में, माइलिन शीथ के बारे में, न्यूरोलेमा के बारे में, ठीक है, नोड ऑफ रैनबी के बारे में। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे हम। अब इसके बाद देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अब ये तो हमने डेंड्राइट्स और एग्जाम के बारे में डिस्कस किया, आइए फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ चलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो माइलिन शीथ आर फॉर्म्ड बाय ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, वन ऑफ द न्यूरोग्लिया, द स्पेशलाइज्ड सेल्स फाउंड इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
Because no squam cells are present, however, there is no neurilemma and regeneration of neurons doesn't occur. This is why severing of spinal cord, for example, results in permanent loss of function. Another kind of neuroglia are microglia, which are constantly moving phagocytic cellular debris, damaged cells, and pathogen. तो यहाँ पे हमने अब तक तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के स्क्वैन सेल के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी माइलिन शीथ होता है, वो भी कवरिंग है, लेयर है, मगर वो बनता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब ये ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स को न्यूरोग्लिया भी कहते हैं। न्यूरोग्लिया एक खास सेल है, ठीक है, इसके बारे में आगे डिस्कस होगा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे स्क्वैम सेल्स की तरह न्यूरोलेमा नहीं है। अगर डैमेज हो जाए तो परमानेंट डैमेज होगा, रिकवरी मुश्किल होगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। और एक हमारे बॉडी में न्यूरोग्लिया है। न्यूरोग्लिया मतलब न्यूरो न्यूरो सेल्स समझे इसको। ये काम क्या करते हैं, ये ब्रेन में इधर उधर घूमते हैं, और ये ब्रेन के अंदर जो बैक्टीरिया है, कोई भी पैथोजन है, नुकसान पहुंचाने वाली कोई एजेंट है, जो गंदगी है, सेल डैमेज हो गए, वो सेल डैमेज को खाने का काम ये करते हैं, ये हटाने का काम करता है। कौन करता है? माइक्रोग्लिया, इसका नाम माइक्रोग्लिया है। ठीक है, एक है न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया माइक्रोग्लिया। न्यूरोग्लिया तो माइलिन शीट कवरिंग जो कर रहा है उसका सेल का नाम है, और न्यू माइक्रोग्लिया ये डैमेज सेल को खाने वाला एक सेल। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। और एक सेल है हमारे ब्रेन में, उसको कहते हैं एस्ट्रोसाइट या स्टार सेल। दिस सेल प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर द माइग्रेटिंग न्यूरॉन्स दैट विल फॉर्म द ब्रेन। देयरफॉर द एक्सटेंशन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स आर रैप्ड अराउंड ब्रेन कैपिलरीज एंड कंट्रीब्यूट टू ब्लड ब्रेन बैरियर व्हिच प्रिवेंट्स पोटेंशियली हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द ब्लड फॉर डिफ्यूजिंग आउट इनटू ब्रेन टिश्यू। दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली नॉर्मल इन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, बट ब्रेन टिश्यू इज मच मोर सेंसिटिव टू इवन लो लेवल्स ऑफ देम देन आर अदर टिश्यू सच एज मसल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ब्रेन बैरियर। जब बच्चा डेवलप होता है एम्ब्रियो में, माँ की पेट में, तो एक सेल होता है जिसको कहते हैं एस्ट्रोसाइट। ये सेल क्या करता है, डिफरेंट ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स जो बनना है, अब सामने फ्रंटल लोब बनना है, पैराइटल लोब बनना है, ऑसिपिटल लोब बनना है, टेम्पोरल लोब बनना है, ये लोब बनते वक्त ये ब्रेन सेल्स को क्या करेगा, अपनी अपनी जगह पे जैसा जैसा बन जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे, उधर उधर इसको सेंड करते रहता है, फ्रेम बनाता है, माइग्रेट कराता है। लेकिन जब इसका काम हो जाता है, जब ब्रेन डेवलप जाता है, इसका काम क्या करना है, ब्रेन बैरियर बनाना है, ब्लड ब्रेन बैरियर। एक ऐसा लेयर है ये ब्रेन में जो ब्लड और ब्रेन के दरमियान होता है। ये बचा के रखता है उन हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्रेन से जो ब्लड में पाया जाता है, यानी छोटी छोटी माइक्रो वेस्ट प्रोडक्ट से भी बचा के रखता है ब्रेन। ठीक है, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत सेंसिटिव है, अगर वो माइक्रो पार्टिकल भी अगर ब्रेन में चला जाए डैमेज होने की चांसेस होते हैं, तो इसलिए बना के रखता है, बचा के रखता है। द कैपिलरीज ऑफ द ब्रेन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस बैरियर बिकॉज दे आर लेस परमेबल देन आर अदर कैपिलरीज। ए डिसएडवांटेज ऑफ ब्लड बैरियर इज सम यूजफुल मेडिसिन कैन नॉट क्रॉस इट एंड द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट क्रॉस ओनली विद डिफिकल्टी। दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन ट्रीटिंग ब्रेन इन्फेक्शन और अदर डिसीजेस। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लड बैरियर तो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि टॉक्सिन से बच जाता है, लेकिन अगर टॉक्सिन्स पहुँच गए, इन्फेक्शन पहुँच गया, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन उसको अगर ट्रीट करना है तो बहुत मुश्किल होगा। कि बैरियर क्या करेगा, मेडिसिन का जो इफेक्टिवनेस है, वो इफेक्टिवनेस को भी क्या करेगा, कम करके भेजेगा, क्योंकि वो भी चीज़ उसको क्या दिखेगी, हार्मफुल दिखेगी। इसलिए तो इसी तरह लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट क्या है, हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जब इन्फेक्शन हो गया तो इन्फेक्शन के साथ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज भी जाना है तो बहुत मुश्किल से वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं। ठीक है,
तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूरॉन्स के बारे में। न्यूरॉन्स के अंदर डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, सेल बॉडी होते हैं। डेंड्राइट्स और एक्सॉन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी कवरिंग होती है स्क्वैम सेल से, जिसके अंदर लेयरिंग किया हो गया है आपके माइलिन शीथ से, और उसके अंदर नोड ऑफ रैनवीर होता है और न्यूरोलेमा होता है। ठीक है, डैमेज होने के बाद ये प्रोटेक्शन करता है, ये जनरेट करता है। लेकिन ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं माइलिन शीथ के लेयर के ऑलिगोडेंड्राइट्स, उसके अंदर स्क्वैम सेल्स नहीं होते, जिसकी वजह से क्या है डैमेज होने के बाद रिकवरी मुश्किल होती है। इसी तरह माइक्रोग्लिया होते हैं जो फैगोसाइटिक है, डेड सेल्स को खाते हैं। इसी तरह एस्ट्रोग्लिया है, एस्ट्रोसाइट्स है, ये आगे चल के ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं जिससे टॉक्सिक सब्सटेंस ब्रेन के अंदर नहीं आ पाते। इसके एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ये आपका न्यूग्रोग्लिया के बारे में यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे आप ये टेबल्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नर्व्स है। नर्व्स में इसमें देखिए, एक है मोटार नर्व है, ए नंबर वाला जो है सेंसरी नर्व है, बी नंबर जो है मोटार नर्व है। ठीक है, तो इसमें देखिए आप, ये सेल बॉडी है, इसमें देखिए दो एग्जॉन है यहाँ पे, यहाँ पे तो एक ही एग्जॉन, यहाँ पे दो एग्जॉन है। ठीक है, तो ये ऐसे सेंसरी नर्व्स के हम लोग देख सकते हैं, आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस है, सेल बॉडी है, और इसमें माइलिन शीथ है, और यहाँ पे रिसेप्टर्स भी है। ठीक है, एग्जॉन भी है और एग्जॉन टर्मिनल है। ठीक है, अब इसमें तो हमने देख चुका है, ये दो ये है सेंसरी नर्व, ये है आपका मोटर